लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेचारी आज चौथी भी चली गई। मरना तो था ही, कल के बजाय आज मर गई। लेकिन कुछ भी बोलो, इसके बाप ने मुझे दहेज खूब दिया। हाँ, खूब माल काटा उस ससुर के बच्चे से मैंने। वो भी मर गया। मैंने बोला फिर इसका क्या फायदा, डाल दो पानी में साली को मरने। ये तो जिंदा है, बिल्ली को 7 मंजिल से गिराओ फिर भी अपने 4 पैरों पर खड़ी रहती है। आप क्या, आ गई, चलो चलो ये हार निकालो, चलो जाओ भागो। रानी कहाँ गई थी तुम, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। कहाँ, अरे क्या हुआ, क्या क्या हुआ? कुछ बदमाशों ने डुबो कर मार डालना चाहता। क्या कह रहे आप, अरे किस माई के लाल में इतनी हिम्मत है कि हमारी रानी को हाथ लगाया? अगर ये वक्त नहीं पहुँचते तो मैं जिंदा नहीं बचती। ओह, ओ भाई साहब, आइए आइए, अंदर आइए, आइए भाई साहब आइए। आपने ना सिर्फ मेरी पत्नी को जीवन दान दिया बल्कि मुझे भी खुदकुशी करने से बचा लिया। इसके बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। मैं आपका बहुत 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 आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। बैठो बैठो बैठो, बैठो ना बैठो। रानी जरा इनको बिठाना है, मैं अभी आया। हेलो चंपक लाल, इंस्पेक्टर उदय सिंह आपके चरस वाले गोदाम पे छापा मारने आ रहे हैं। हाँ, अरे आने दो साले को, लेने दो तलाशी। हड्डियां मजबूत हुई नहीं, चला है शेर के मुंह में हाथ डालने साला। अरे तुम फिकर मत करो, साले को एक दाना नहीं लेने दूंगा। हाँ, डरना नहीं बिल्कुल। हाँ हाँ, ओके। गंगवा आया मालिक। वो मोटा है ना मोटा, ऊपर गहरी नींद सोया है। हाँ, अपने गोदाम में जो माल रखा है ना उसको बाहर निकाल के साले के ट्रक में भर दो। जी मालिक। हाँ, चलाए साला हीरो बनने, जीरो बना दूंगा जीरो। हाँ साहब, साहब गोदाम खाली है। इधर देखो साहब, घर में कुछ नहीं है, सारा माल ट्रक में है। ठीक है, ट्रक जब्त कर लो। खामोश। पैसा कमाने के लालच में तुम पूरी नस्ल को अपाहिज कर रहे हो। मेरा बस चले तो तुम दोनों को सूली पर लटका दूं। मेरा कोई पुलिस का रिकॉर्ड नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो कभी जिंदगी में पुलिस स्टेशन की शक्ल भी नहीं देखी। अब देखोगे, हवालात की शक्ल भी देखोगे। भोला बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारा ट्रक चरस और गांजे से भरा हुआ था। आप पिछले पुलिस चेक पोस्ट से पता लगवा लीजिए, मेरा ट्रक वहां से खाली गुजरा था। और खाली ट्रक चंपक के घर में आते ही चरस और गांजे से भर गया। कोयले की दुकान पर सोगे तो कालिक तो लगेगी ही। अगर तुम दोनों को मैंने हवालात की चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम भी उदय सिंह नहीं। आप मुझे मेरा ट्रक वापस कर दीजिए, मैं यहां से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, आखिरी बार मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारा ट्रक वापस नहीं मिलेगा, और मेरे पास बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, जा सकते हो तुम। मेरी रोजी रोटी इसी ट्रक से चलती है, इसके अलावा मेरे पास कोई जरिया नहीं कमाने का। आप चाहते कि मैं चोरी करूं, मैं डाका डालूं, मैं क्या करूं इंस्पेक्टर साहब? मैं किसी का खून करूं अपना घर चलाने के लिए? बताइए मैं क्या करूं? देखो यार, इस दुनिया में एक शरीफ और मेहनती इंसान इज्जत से जी भी नहीं सकता। अरे चंपक भाई, लेकिन मेरा ट्रक, उसकी फिकर तुम मत करो यार। मेरी वजह से, मेरे ही घर में तुम पर यह आफत आई है, उससे छुटकारा भी मैं ही दिलवाऊंगा। हाँ, तुम ठीक 9 बजे उस इंस्पेक्टर के बंगले पर जाओ, वो न सिर्फ तुम्हें ट्रक की चाबी देगा बल्कि लिख कर माफी भी देगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे उसका भी इंतजाम करना है। तुम आराम करो, लेकिन ठीक 9 बजे पहुंच जाना जरूर। हाँ जी। हाँ मैं, मेरे पहुंचने से पहले वहां किसी ने उसे मार डाला था। हाँ। लेकिन तुम्हारी इस बात पर विश्वास कौन करेगा? अब ये तो बताओ कि तुमको वहां किसी ने देखा तो नहीं? हाँ, एक बच्चा था,
इंस्पेक्टर का बेटा, उसे मुझे लाश के पास देखा था। अरे 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 अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब जिंदगी भर तुम भागते रहोगे और पुलिस तुम्हें भगाती रहेगी। लेकिन फिक्र मत करो, तुमने मेरी बीवी की जान बचाई है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हाँ, आज से तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगे। नया पेशा होगा तुम्हारा, जीने का नया ढंग होगा, नए दोस्तों के साथ मौज उड़ाओगे। आज से तुम्हारा नाम सिकंदर नहीं, भोले होगा भोले। और तुम्हारी ट्रक इतनी तेजी से भागेगी कि कोई भी पुलिस वाला उसे छू भी नहीं सकेगा। आज से तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होगा खुलेआम होगा। डैडी, आपके इस चिता की पवित्र अग्नि की कसम खाता हूँ, जब तक उस रावण का मैं सर नहीं काट देता, तब तक मेरी जिंदगी में ना कोई दिवाली होगी ना कोई दशहरा होगा। आज से का सर्वनाश करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं पूरी दुनिया को खून में रंग दूंगा। ये आपसे मेरा वचन रहा। तकदीर की कलम जब किसी बेगुनाह का भविष्य बिगाड़ने पर आ जाए तो उसकी जिंदगी की डोर पेशेवर मुजरिम के हाथ में सौंप देती है। भोले भी धीरे धीरे गुनाहों की दलदल में धंसता चला गया। लेकिन अंधेरे कितने भी गहरे क्यों ना हों, उम्मीद की रोशनी कहीं ना कहीं नजर आ ही जाती है। भोले की जिंदगी में रोशनी बनकर आए रास्ते पर पड़े हुए दो बच्चे। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। इंस्पेक्टर उदय सिंह का बेटा राठौर सूरत में हू बहू अपने बाप जैसा था, लेकिन बदले की आग ने उसे जीता जागता राक्षस बना दिया था। उसे तलाश थी तो सिर्फ अपने बाप के कातिल की। यार बहुत ब्लेंड हो गई, अब तो देखो। बस डर गए राजा। वो रहा, अरे ये कौन आ गया, भागो भाई। अरे भागो, अरे जाने लोगे
मुझे माल समेटने दे। मैंने तो सिर्फ बम लगाया था, बनाया तो तूने था आतंकवादी। पहले तो तेरे स्क्रू ढीले थे, अब तो लगता कहीं गिर गए। देख देख कहीं कहीं पड़े होंगे। बात करती रहती है बकबक। प्रो तो तेरे टाइट करूंगी। किसी रोज सोते में ऐसा ही बम तेरे सर से ना बांध दिया तो मेरा नाम भी। सारा मौका मिलता है तुम दोनों की बकबक शुरू हो जाती है। निकलो यहाँ से, पुलिस आ रही है। चलो यहाँ से। पीछे पड़ी रहती वहां जाके बैठ। चल
और है ये सब? मच्छी बाजार बना रखा है। ओनली राइट ऑन दिस, ओके? बाहर जाइए। आई सेड गेट आउट। प्लीज गो। इंस्पेक्टर राठौर, ये मेरा दफ्तर है, तुम्हारे इलाके के दारू का कोई अड्डा नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? कल रात भोले को गिरफ्तार करने का काम मेरी जगह किसी दूसरे पुलिस अफसर को क्यों दिया गया? इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। पुलिस का फर्ज है कानून के हाथ मजबूत करना, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं। भोले सिर्फ मेरा ही नहीं, सारे समाज का दुश्मन है सर। आप ये केस मुझे दे दीजिए तो उस दिन में मैं उस हरामजादे का नामो निशान मिटा दूंगा। साथ साथ और कितने बेगुनाह शहरियों को मौत के घाट उतारोगे? और कितने मासूम बच्चों की लाशें जलेंगी तुम्हारे इस बदले की आग में? राठौर, जब जब मैंने तुम्हें मौका दिया, मुझे भोले नहीं सिर्फ बेगुनाह लोगों की लाशें मिली हैं। मैं बहस नहीं करना चाहता सर, जल्द से जल्द आप ये केस मुझे दे दीजिए। इस वक्त वो हमारे हाथ में है, मैं उसे हमेशा के लिए कुचल देना चाहता हूं। तुम एक अच्छे और बहादुर ऑफिसर हो, अपनी जाति दुश्मनी की बिना पर अपने रिकॉर्ड पर धब्बा मत लगाओ। नहीं चाहिए मुझे कोई रिकॉर्ड। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो अपने बाप के कातिल की। सर, किसी भी तरह आप ये केस मुझे दे दीजिए। जब तक मैं इस कुर्सी पर मौजूद हूं, याद रखो ये केस मैं हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें खून खराबा करने का ज्यादा ही शौक है तो उतार दो ये वर्दी। मैं भूल गया था, ये नाकाबिल पुलिस अफसरों के साथ अगर मैं जिंदगी भर भी भागता रहूं तो भी मैं अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। ये रही आपकी नौकरी। हमला कर दिया, जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचिए। बाबल रुपा, पापा बाबल छोड़ दे मुझे पापा। अरे छोड़ दे सर, रुक जा वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा। अंकल छोड़ दे रूपा को, छोड़ दे कुत्ते, आराम से छोड़ दे इसे। ज्यादा बहादुरी मत दिखा। हमने तुम्हें कितना समझाया कि हमारे खिलाफ गवाही मत दो, बीवी बच्चे वाले हो
हमारे आतंक से बचे रहो, लेकिन तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझते थे। एक तुम्हारी गवाही की वजह से हमें 8 साल की सजा हुई, लेकिन देख लो 8 महीने भी नहीं हुए हैं और हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, हा? तुम्हें मजा चखाने के लिए। मैंने तुम्हारे खिलाफ गवाही इसलिए दी थी कि जेल जाकर सुधर जाएगा। मैं नहीं जानता था तुम जैसे कुत्तों का इलाज मौत है। कानून की फौलादी जंजीरें तोड़कर तो तुम बाहर आ गए, मगर हम किसानों के फौलादी हाथों से तुम बच नहीं सकोगे। ये फौलादी हाथ जो हमारे इशारे के बगैर हिल भी नहीं सकते, तो मैं भी नाज़ है इन फौलादी हाथों पर। कुत्ते, छोड़ दे से। अरे बदला लेना तो अब मेरे पास आ। चुप। तेरी औलाद का मैं वो हश्र करूंगा कि तुझे जिंदगी भर सच बोलने से, गवाही देने से, मुंह खोलने से नफरत हो जाएगी। हरामजादे, कुत्ते हटा ले हाथ, वरना मैं तेरे खानदान को मिटा दूंगा। हटा ले मेरे बच्चे पर से हाथ, हटा ले। राका, मैं तुम्हारी माँ बनती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ माँ। इस पापी के पैर मत छो रूपा। मेरे बेटे को छोड़ दो, इससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये निर्दोष है। तुम्हें अपनी सजा का बदला लेना है ना, मुझसे ले लो। खून बहाना है ना, मेरा खून बहा दो। भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बेटे को। मैं भगवान के लिए कुछ नहीं छोड़ता, सब कुछ खुद ही करता हूँ। मेरी कमी कभी उसे महसूस नहीं होने दीजिएगा। एक वादा कीजिए, आप हमेशा बेसहारा कमजोरों का साथ देंगे, हमेशा सच बोलेंगे, ताकि कभी ऐसा हादसा और किसी के साथ ना हो पाए। से तुम बाबुल के माँ बाप भी। मैं नहीं साथ देना था। प्रीतम, तो पिछली छुट्टी में घर क्यों नहीं आया था? तब तो मैं पूरी स्कूल के साथ टूर पर गया था, पर अब तो आ रहा हूँ ना। कर्नल, लगता है तूफान आने वाला है। अरे प्रीतम, चीनी, अंदर आ जाओ, जल्दी आओ। संभालो भाई, क्या अंदर आ जाओ। चीनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ प्रीतम, हम कहाँ आ गए?
चलो आगे चल के देखते हैं। दादा दादी हमें याद करते होंगे ना घर पे? हाँ, बड़े मजे से याद कर रहे होंगे घर में बैठकर। मजे से क्यों? क्या वो लोग हमारी तरह जंगल में भटक रहे हैं पागल कहीं की? प्रीतम मुझे भूख लगी है। तुम मुझसे कह रही हो? मेरे पेट में तो पहले से ही चूहे कूद रहे हैं। फिर क्या करें? चल उस फल वाले के पास चलते हैं। आओ बाबा आओ आओ। ओ भैया हमको थोड़ा सा फल देंगे? 5 रुपया दर्जन है बाबा, कितना मांगता है तुमको? हमारे पास पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो काय को फिजूल में टाइम खराब करता है बाबा हमारा? भूख लग रही है, हमें थोड़े से फल दे दो ना, हम दादाजी से कहकर तुम्हें पैसे भिजवा देंगे। तुमने मुझे समझ कर रखा है बेवकूफ, कहता है पैसे भिजवा देंगे, चलो फुटो इधर से, चलो। चोरी करती है बदमाश। मैं तो सिर्फ देख रही थी। हाँ हाँ, देखते देखते धीरे से एक पॉकेट में। चलो चोर कहीं की, भागो नहीं तो अभी दूंगा एक घुमा के, भागो भीख मंगे कहीं के। ये फल वाला तो बहुत बुरा आदमी है, इसने हमें भीख मंगा और चोर कहा। हम अभी इसे दिखाते हैं, हम पेट भी भरेंगे और इसे मजा भी चखाएंगे। समझी? तू यहाँ पर रुक। अरे बदमाश तू, चोर कहीं के, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो, मेरी दुकान से फल चुरा के भाग रहा है, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, मेरी दुकान से फल चुरा के। अरे तेरा बेड़ा गर्क। ए लड़की चोरी करती है, पकड़ो पकड़ो, ए लड़की चोरी करती है, भाग गई, चोरी करती है, पकड़ो पकड़ो, पकड़ो उस लड़की को, पकड़ो, वो चोरी करके भाग रही है, पकड़ो पकड़ो भाई। अरे अरे इतनी छोटी उम्र में चोरी शुरू कर दी। ठीक है भाई, अपनी बिरादरी का तू भाग, मैंने संभाल लेता हूँ। अरे आ, अरे पकड़ा, ए ये देख ये क्या हुआ, चोर चोर चोर। लो भैया मुंह मीठा करो, आज तुम्हारी मदद के कारण हमारा बेटवा डॉक्टर बन गवा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे भैया, तुम्हारी वजह से आज मेरी बिटिया का घर बस जाएगा, अब भगवान तुम्हारे काम में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। ये लीजिए भैया। अरे भैया इसमें एहसान की क्या बात है, इसके बदले में आपने मुझे ये टिफिन दे दिया, मेरा पेट आपको दुआएं देगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है हाँ, अब चलूं मैं। नमस्कार। राम राम राम, भगवान आपको सुखी रखे। सूर्य, ये गांव वाले किसके पीछे पड़े हैं? कुछ नहीं बाबा, दो बच्चे फल चुरा कर भाग गए। तो हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। बड़ी भूख लगी है। अरे गांव से जरा बाहर निकल लें, फिर आराम से बैठकर खाएंगे। हाँ चल। आज बाजरे की रोटी, पालक का साग, चने की दाल, ये खिलाऊंगा तुझे। बकरी दी हलवाई, मिठाई खानी है। चल। अबे तेरी माँ की अंगेठी सुलगाऊं, हराम का माल है जो मुंह में रख लिया, जब देखो खाता रहता है, जब देखो खाता रहता है, जब देखो खाता था। आई कहाँ तक गई? कौन है बे? अबे नहीं अब्बू, दिखाऊं? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हलवाई जी आपका काम लड्डुओं के पीछे है, लड्डुओं के आगे नहीं, चलिए लड्डुओं के पीछे चलिए। अब बताइए क्या चाहिए आपको? ये टेलीफोन क्या किलो दिया?
ओहो, अरे ये दुकान टेलीफोन की नहीं मिठाई की है, क्यों आप मेरे दिमाग की माँ की बहन कर रहे हैं? सुबह से मेरी बोहनी नहीं हुई और आप मेरी? मैं बोहनी करने आया हूँ, फिर ये रखा क्यों है इधर? करने के लिए, करने वाला टेलीफोन। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। मुंह में पानी आ गया। पेड़े मथुरा के, पेड़े मथुरा के, देखो तो बेटे कैसे हैं? है ना, आधा किलो पेड़े दे दो। एक मिनट, एक मिनट। ये बर्फी, बर्फी क्या बात है बेटे, कैसी है बर्फी? बहुत बढ़िया, आधा आधा किलो दे दो। एक मिनट, एक मिनट। देवी लगता है गर्मा गर्म है, देखो तो। जलेबी बहुत गर्म है भाई। एक मिनट, एक मिनट। बेसन के लड्डू। आप कुछ खरीदेंगे या सुबह सुबह मेरी योगा करवाने के लिए आए हैं? क्या लेंगे आप? आप नाराज मत होइए बकरीदी साहेब, वो ऐसा कीजिए आधा किलो बर्फी दे दीजिए। बिल्कुल, फैसला कर लिया? हो गया, हो गया फैसला, हो गया। अमा ये लीजिए। ये लो बेटे। अच्छा बकरीदी में खुदा हाफिज। अमा खुदा के हाफिज, बाद में जाना, पहले पैसे दो। इस बात के पैसे? बर्फी के। अरे बर्फी तो मैंने लिया जलेबी की जगह। तो जलेबी की कीमत दो। जलेबी लिए लड्डू की जगह तो लड्डू की दो। लड्डू लिए पेड़े की जगह तो पेड़े की दो। पेड़े किसने लिए हैं बकरीदी मियां? आंखों में सुरमच डालो, देखो पेड़े भरे पड़े हैं, मैंने लिए नहीं। अरे हमें क्या गांव वाले समझ के लूट रहे हो? शहर में तो आने नहीं चाहिए, यहाँ तो कसाई लोग रहते हैं। चल बेटे चल, हलवाई की नहीं है तो कसाई की दुकान है। अरे अरे लड्डू की जगह पेड़े, पेड़े जगह बर्फी, बर्फी की जगह। अरे ये तो मेरे बिल्कुल बजा के चला गया। लो जानकी थोड़ा कुछ खा लो, कब तक भूखी रहोगी? मैं कुछ नहीं खा सकूंगी, हमारे खानदान की आखिरी वारिस है मेरी चीनी। आज कई दिन हो गए, कोई खबर नहीं मिली मेरे दोनों बच्चों की। जानकी हमारे बच्चे जरूर मिल जाएंगे, चारों तरफ लोग तलाश करने के लिए गए हैं, और फिर प्रताप भाई साहब मल्लाहों को लेकर नदी की ओर गए हैं, वो जरूर अच्छी खबर लाएंगे। तुम्हारा प्रीतम सिंह राणा और ये चीनी। इसी गांव के हो? हाँ जनकपुर के है, रास्ता भूल गए। आप हमें घर पहुँचा दीजिए ना, आपको बहुत इनाम मिलेगा। अच्छा, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं और इनाम दोगे? झूठ भी बड़े आप बोल लेते हो। झूठ बोलता है? इधर आ, इधर आ, सच सच बता, चक्कर क्या है, बोल। ये सच्ची बोल रहा है। सच बता वरना ऐसा रपट दूंगा नानी आदाजी के समझे। बताते हैं, बताते हैं। वो क्या है कि हम लोग बहुत गरीब है, हमारा बाप रोज शराब पीकर हमें मारता है और हमारी माँ को भी मारता है, खाने को भी कुछ नहीं देता, बहुत भूख लगती है, इसलिए हम लोग घर छोड़कर भाग आए। लेकिन हमें माँ की याद आ रही है, अभी हमें घर पहुँचा दो ना। आप हमें घर पहुँचा देंगे ना? चल चीनी, हम खुद ही चले जाते हैं अकेले। नहीं बच्चों रुक जाओ, फिकर मत करो बच्चों, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। नहीं। लेकिन क्यों बाबा? देखो बेटे, अगर हमें कुछ हो गया ना तो बच्चे भी उसकी लपेट में आ जाएंगे। अब सिर्फ पुलिस हमारे पीछे नहीं है, राठौड़ भी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। तो क्या हुआ, उससे तो हम पहले भी भिड़ चुके हैं। अब वो हालत नहीं रही बेटे, राठौड़ ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। चलो ये तो अच्छा हुआ। अरे नहीं, अब तो वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। हाँ, सरकारी कानून की कोई भी बंदिश उसका हाथ नहीं रोक सकती, हमें देखते ही गोली चलाएगा। एक तरफ राठौड़, दूसरी तरफ पुलिस, इस बीच में बच्चों का ध्यान रखना बहुत मुश्किल होगा। बच्चों देखो, आज की रात तुम हमारे साथ उतार लो, हैं? कल सुबह होते उसी गांव वापस चले जाना, नजदीकी तो है। अगर गांव वाले हमें देखेंगे तो हमें पकड़ लेंगे, हमने चोरी किया ना, मारेंगे। पापा ये गलत है, ये बच्चे अकेले कैसे जाएंगे? तो क्या करूं, इन बच्चों को राठौड़ की गोलियों का शिकार बनने दूं? हैं? बाबा हम मकर गांव जा सकते चंपकिया, वही इन दोनों बच्चों को जनकपुर पहुंचाने का इंतजाम करेगा, और राठौड़ को तो पता भी नहीं चलेगा कि हम वहां थे। हाँ हम जा सकते हैं, मगर हम जाएंगे नहीं। अगर मेरी वजह से इन बच्चों को कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकूंगा।
कोई बात नहीं, आप लोगों को हमारी वजह से तकलीफ हो रही है ना, हम खुद चले जाएंगे। चल छीनी। बाबा अरे बच्चों, इस तरह हिम्मत नहीं हारते, अगर एक बार कामयाबी ना मिले तो फिर से कोशिश करनी चाहिए। मैं बताता हूँ बाबा को कैसे पटा दे, इधर आओ।
अरे फंस गई फंस गई, मछलियाँ जाल में फंस गई। अरे तड़प तड़प तड़प, अरे तू तड़पेगी तो मेरा जीव मचलेगा ना, तड़प तड़प तड़प। बसंती आज तेरे को छुट्टी, तू जा आज बिलौरी से खेलेंगे। अरे नाचना नाच। अरे आने क्या, तुम लोग ठीक से समझ गए हो ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं होगी। हाँ। हम आपके रिश्तेदार के बच्चे हैं ना, हमें जनकपुर जाना है ना। शाबाश ओले। अरे मेरे यार, मेरे जिगर के टुकड़े। कहाँ थे इतने दिनों तक, आजा आजा आजा। अरे मेरे ईद के चांद, तुम हमें कैसे भूल गए। बोल बोल कैसे हालचाल है तेरे। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। बिल्कुल चौकस बिल्कुल चौकस। डार्लिंग तुझे बड़ी लंबी उम्र है, आज सुबह से मैं तुझे ही याद कर रहा था, मालूम है। अच्छा? आ, ए, सुनो सुनो मेरा यार आया है। मुझे याद कर रहा था सुबह से, क्यों? आओ आओ। अरे ओ रामकली, ए रामकली, हमारे यार के लिए कुछ लस्सी विस्सी बनाओ, फटाफट फटाफट बनाना। हाँ अरे 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 अरे, ये कौन है, प्यारे प्यारे नन्ने नन्ने। ये मेरे रिश्तेदार के बच्चे हैं। अच्छा। कुछ दिनों से मेरे साथ ही रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें जनकपुर छोड़ा, मैं शहरी इलाकों में दिखाई देना नहीं चाहता, वरना खुद ही चला जाता मैं। अरे जाता हूँ यार, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है यार। अरे ओ रामकली लाओ जल्दी लस्सी फटाफट, साली ससुरी ढीली पड़ती जा रही है। टाइम भी कितना जल्दी निकल जाता है ना भोले। 8 साल के बाद आज मुलाकात हुई है। अरे हाँ, तुम्हारे वो दोनों बच्चे अभी बड़े हो चुके होंगे जिन्हें रास्ते से उठाकर पाला तुमने। तुम तीनों मिलकर बहुत उधम मचाते होंगे शहर में। हाँ कोई खास नहीं। अरे बड़ी बड़ी तिजोरी साफ करते हो और कहते हो कोई खास बात नहीं है। भोले यार, तू सच बोलने में जो शर्माता है ना, ये तेरी आदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे ले लो ले लो ले लो, खा लो खा लो। तुम्हारे तो बड़े ठाठ हैं, हैं? काम कैसे चल रहा है? बहुत ठंडा बहुत ठंडा। आजकल तो चरस से ज्यादा ब्राउन शुगर की डिमांड है। अच्छा? हाँ, मैं सप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन साला ये पुलिस बड़ी टाइट होती जा रही है। अरे ऐसे सामान ले जाने के लिए तो दम गुर्दे वाला आदमी चाहिए तेरे जैसा। जैसे तू लेकर जाता था मर्द के माफिक। अरे लस्सी ले लस्सी ले लस्सी ले। ले 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 ले। अरे यार भोले, सिर्फ एक ट्रिप मार दे अपनी पुरानी दोस्ती के खातिर। नहीं चंपक, उस धंधे से मैंने कान पकड़ लिए, कोई और काम बता कर देंगे। ठीक है, मर्जी तेरी। तू दोस्त होकर मेरा साथ नहीं देगा तो दुश्मन को ही दोस्त बनाना पड़ेगा। क्या मतलब? अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो राठौड़ अपना काम करेगा। क्या क्या नाम लिया तूने? राठौड़, तेरी जान का प्यासा। उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है और अब वो हमारे साथ। इसमें क्या मिला है तूने? तेरी मौत मिलाई है इसमें। तू खलास हो गया है बुड्ढे, अब तेरी नीलाम बोली राठौड़ आकर लगाएगा। अरे मारो साले को। आए शाबाश, मार मार मार, मारो मारो साले को मारो। मोटे साला बड़ी ताकत दिखाया, मेरा टीपॉय तोड़ दिया साले ने। आप क्यों मार रहे ने? चुबे मत मारिए प्लीज। अरे हट रे, छोड़ दो इन्हें, नहीं तो मैं अपने दादाजी से कह दूंगा, वो तुम्हें सजा देंगे। मेरे दादाजी बहुत बड़े आदमी है। क्या बोला? तेरा दादा बहुत बड़ा आदमी है? कौन है? लखपति है, करोड़पति है, कौन है तेरा दादा? ए बोलना कौन है तेरा दादा? ए मत बोलना प्रीतम, बोले अंकल ने मना किया है। इस मोटे ने मना किया है? इस मोटे ने? तो तुम दोनों बहुत काम की चीज हो। बताओ बताओ बताओ। नहीं बताएगा? किसकी औलाद है नहीं बताएगा? बता। आप हमें मारिए, हम नहीं बताएंगे। बहुत अच्छे।
आरिया लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं तुम तो सोने के टुकड़े हो टुकड़े मैं तो इस कमीने को नहीं। तो फिर बताओ 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 बताते हैं आप इन्हें मारी नहीं नहीं बताओ हमारे दादाजी का नाम प्रताप सिंह और तुम्हारे तुम्हारे दादाजी का नाम बताओ 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 बैसाखी लाल बैसाखी लाल प्रताप सिंह बैसाखी लाल जनकपुर के बैसाखी लाल और प्रताप सिंह वाह अरे ये दोनों तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां है मुर्गियां साला ये भोला जब भी आता है ना फायदा करके ही जाता है ए चल चल इन तीनों को कसके बांध साले सांप के बच्चे कहीं सुराग में घुस गए ना तो पता नहीं चलेगा चल चल ए अरे इधर हाँ मालिक राठौर साहब को मैसेज भेज दे कि उनका पंछी जाल में फंस गया चल जल्दी Good.
जिनको मिल जाते हैं, पतझड़ में भी खिल जाते हैं। हौले हौले खुल गुलजार हुआ, दूसरे पहर इनकार हुआ, पहर में प्यार हुआ, पहले पहर दीदार हुआ, दूसरे पहर इनकार हुआ। चलो अब हम तुम्हें तुम्हारे बाबा के दीदार करवाते हैं। छुप जाओ नीचे। Yeah.
बाहर के लोगों को यहाँ देखा है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ सुन रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ सुन रहे हो ना तुम लोग? तुम हरामजादों में से किसी ने कुछ बाहर के लोगों को यहाँ आते हुए देखा है क्या? अबे ओ, कौन है तू? मुर्गे को गोली क्यों मारी? हाँ? तेरे बाप का था ये? ए जबान संभाल कर बात कर, बता भोले कहाँ है? यहाँ कोई भोले भोले नहीं है, सब चालू रहते हैं यहाँ पे। और तू ना अपने ये कौड़े पकौड़े लेके फूट गया यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी तेरी मौत आई है क्या? अबे जानता है किससे बात कर रहा है? अबे ओ लौंडे, ज्यादा बकबक की ना तो पोस्टर बना के दीवार से चिपका दूंगा, लोग पूछेंगे किस चक्के की फिल्म लगी है। ए पोपट, अपने मुर्गे की तरफ फड़फड़ा रहा है क्या? बेटे लगता है बहुत खुजली है इन लोगों को, तू जा ऊपर जाकर बैठ, मैं इनकी खुजली मिटा के आता हूँ। चंगा जरा मुहूर्त कर दे, इसका मुहूर्त कर दे। से निकल जाना चाहिए, जंगल की तरफ उठाओ।
सालो। ये पानीपत की लड़ाई तुमने छेड़ी है? आपको थोड़ा बहुत शौक है तो खुजली मिटा लीजिए, हम तैयार हैं। पागल नहीं हूं मैं, बुलडोजर से भिड़ने का कोई शौक नहीं है मुझे। वेरी अंडरस्टैंडिंग जेंटलमैन। छुटके। सुने जनाब, ये जो आप गंगा जल छिड़के इसका तर्पण कर रहे हैं, इससे इसका कुछ नहीं होगा। मेरे पास असली स्पिरिट है, ये इसके ऊपर छिड़की और छिड़कने के बाद इसको कानी लगा दीजिए। कानी लगाते ही देखिए कि भपके के साथ वो पहुंच जाएगा। लगता है मेरे दोस्त की शक्ल तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सड़ेला गलेला आपका दोस्त है जी, तो माफ कीजिए फिर हमें, आपका ये चौक सब जम नहीं रहा। जम जाएगा, धीरे धीरे जम जाएगा। हिल रहा है आपका दोस्त, हिल रहा है। आ, 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 आप आ गए राठौड़ साहब, बहुत अच्छा हो गया। इसको पकड़ो राठौड़ साहब, इसी की वजह से भोले अपने हाथ से छूट गया। ये उसका दोस्त है राठौड़ साहब, इसको पकड़ो, पहले पकड़ो राठौड़ साहब। वो अजनबी मेरे बेटे की जान बचाकर मेरा दोस्त बन गया है, और दोस्ती का मतलब मैं समझता हूँ, आप भी समझ जाइए। क्या कमजोरों से दोस्ती करते हो? दोस्ती तो दो ताकतवरों के बीच में फायदेमंद होती है। दोस्ती की कदर तो वही जानते हैं जो ताकतवर होते हैं। देखा देखा राठौड़ साहब, तुम्हारा भी इसने कचरा कर दिया, पूरा कचरा कर दिया तुम्हारा। शट अप, दफा हो जाओ यहां से, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। देखो तुम गरीब हो, अगर मेरे साथ रहोगे तो मालामाल हो जाओगे, बहुत सारे पैसे दूंगा मैं तुम्हें। आपसे किसने कहा कि हमें मालामाल होने की बहुत जरूरत है जी? हमें तो पहली धार की दारू और खाने के लिए ना भी मिले तो चलता है। हाँ, मारने पीटने के लिए दो चार ऐसे बकरे मिल जाए ना, बड़ा मजा आता है। मुझे खरीदने का ख्याल भी कभी दिमाग में मत लाना, खुद बिक जाओगे। ठीक है, अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो मेरे रास्ते के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। भोले मेरा जानी दुश्मन है, अगर हम दोनों के बीच में तुमने आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस कर रख दूंगा, याद रखना। मुझे पीसने वाले खुद पिस जाते हैं राठौर। भोले ने मेरे बेटे की जान बचाई है, अब अगर वो मुझे एक आवाज देगा ना, उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। जान देने का अगर तुम्हें इतना ही शौक है, तभी से अपनी चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर दो। मेरी चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने से पहले राठौर अपनी जिंदगी की खैर मनाए, देखना चाहता है मैं क्या कर सकता हूं, तो देख। इससे पहले कि मेरे दिल का खून दिमाग तक चढ़ जाए और मैं तुम सबको जीप समेत यहां दफन कर दूं, चले जाओ यहां से। डॉग चलो। बच्चे अरे अरे छोड़ दे राठौड़ भाई, मैं मेरे बाप छोड़ 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 देना, अरे मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अरे छोड़ देना, मैं तेरा दोस्त हूँ ना, मैं तेरे हर वक्त काम आता हूँ। अगर अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हारे काम कैसे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अरे मैं मर जाऊंगा, मेरा फेफड़ा जमीन पर गिर जाएगा मुंह से, अरे मेरी धोती गीली हो जाएगी, अरे अरे मैं ये सारा इलाका मेरा है, मैं कोना कोना छान मारूंगा और उसे पकड़ कर दूंगा। मैं तुम्हें उन बच्चों के बारे में बताना चाहता हूँ जो भोले के पास है राठौड़ साहब। ए घोड़ा रोको। हाँ रोको रोको रोको, वाह घोड़े वाह, तेरा भी जवाब नहीं, जवाब नहीं तेरा, गुड़ खिलाऊंगा तुझे। किन बच्चों की बात कर रहा था तू? अरे राठौड़ साहब, अपने पास बड़ी पक्की गोट है, जनकपुर के आमिरों के दो बच्चे भटकते भटकते भोला भोले के पास पहुंच गए, वो उन्हें घर भेजना चाहता है। बस बस, उन दोनों के नाम क्या? बैसाखी लाल और प्रताप सिंह राणा। प्रताप सिंह राणा, देखा राठौड़ साहब, मैं तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हूँ, हर वक्त तुम्हारे काम आता हूँ, अब मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ना तो पड़ेगा ही, मगर 50 चक्कर होने के बाद। बाप रे।
हेलो हेलो, क्या मैं पूजनीय बैसाखी लाल जी से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कौन है? आपका शुभचिंतक, दोस्त, भाई, हमदर्द। क्या मजाक कर रहे हो भाई? आपके बच्चे अगर आपके लिए मजाक है तो जाने दीजिए। बच्चे कहाँ चीनी और प्रीतम? हमारे पास है और बहुत मजे में है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। समझ में नहीं आता मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। बहुत सीधी और सरल तरकीब है। शुक्रिया के थैले में सिर्फ 2 लाख रुपया डालकर सीधे हमारे मुंह पर दे मारिए। मतलब आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा और हमारा मुंह भी धुल जाएगा। है? कौन है आप जो मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं? छी 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 छी, ये तो मेरा मेहनताना है, मेरे खून पसीने की कमाई है। आप उसे ब्लैकमेल जैसी गंदी गाली मत दीजिए प्लीज। आपको पैसे मिल जाएंगे, हमें यही उम्मीद थी। हाँ तो सुनो भैये, हमारा फॉर्मूला वही पुराना। पुलिस बीच में आई तो समझो बच्चों की जान गई। तो फिर अगली मुलाकात का इंतजार करिए। हर डॉक्टर और दवा बेचने वाले की दुकान पर कड़ी नजर रखो। ए, हट हट। होले को गोली लग चुकी है, वो अपना इलाज कराने यहां जरूर आएगा। और काशी, अगर वो जंगल के रास्ते से भागे तो तुम उसका पीछा करोगे, क्योंकि तुम इस काम में माहिर हो। जाओ। एक बात ध्यान से सुनो, दोबारा भोले हमारे हाथ से निकल गया तो तुम मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे, समझे? नहीं, मैं समझ गया हूं, बिल्कुल समझ गया हूं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। चला जीत। हर कुत्ते के दिन बदलते हैं, साले आज तेरा दिन है, कल मेरा भी आएगा। 10 मील तक नदी का चप्पा चप्पा छान मारा है, कहीं पता नहीं चला उन लोगों का। पता चल गया है कर्नल। हैं? पता चल गया? कहां है वो लोग? बोलते क्यों नहीं? कर्नल, किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है, बदले में 2 लाख रुपए मांग रहा है। क्या? किसकी किसकी हिम्मत हुई? मैं भी पुलिस को। भाई साहब, अगर आप पुलिस को फोन कर देंगे तो बच्चों को जान से मार देंगे। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, लोकल पुलिस पर तो एतवार किया ही नहीं जा सकता, ना जाने किसके साथ मिली हुई है वो। आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह राठौर, क्राइम ब्रांच, और ये है मेरा असिस्टेंट इंस्पेक्टर अजीत। लेकिन हमने तो पुलिस को कोई खबर नहीं दी। सही फरमाया आपने, मगर हम कानून के मुहाफिज हैं, जनता की खबरें रखना हमारा फर्ज बनता है। हमारे डिपार्टमेंट को पता चल चुका है कि आपकी पोती चीनी उम्र 6 साल और आपका नाती प्रीतम उम्र 9 साल दोनों कई दिनों से लापता है। हमें किसी पुलिस की मदद नहीं चाहिए, उस कमीने को पैसे ही चाहिए ना। हम पैसे लेकर जाएंगे और अपने बच्चों को ले आएंगे। एक सेकंड, इसका मतलब वो दरिंदा आप लोगों को फोन कर चुका है? आप जानते हैं उसे कौन है? वो बहुत ही खूंखार डाकू है, कई खून कर चुका है, नाम है भोले। घबराइए नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ है, हम अपनी जान लड़ा देंगे और आपके बच्चों को जिंदा वापस ले आएंगे। मगर ये बात तभी मुमकिन हो सकती है जब आप सब हमारा साथ दें। ठीक है, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे बच्चे हैं कहां? इस बात का पता भोले के अगले टेलीफोन से चलेगा, तब तक के लिए इंस्पेक्टर अजीत आपके घर में रहेगा, टेलीफोन स्टेप करेगा, जिससे पता चल जाएगा कि भोले ने कहां से टेलीफोन किया, और डिपार्टमेंट वहां जाकर उसे दबोच लेगा। फिलहाल मैं चलता हूं, बाय बाय। चौथे पहर में प्यार हुआ। ओ प्रिया, क्या है? तू कपड़े बदल रही है, चमड़ी उतार रही है? चल चल जल्दी कर। पास मारते हैं। देखो सूर्य, किसी तरह इन बच्चों के घर में खबर पहुंचा दो कि ये लोग बिल्कुल हिफाजत से हैं, और आशा साहब मिलते इन्हें वहां पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है। और देखो, इस झुंड को अलग अलग करना पड़ेगा, तुम उधर भाग जाओ। तुम दोनों उस तरफ से जाओ, तुम मेरे साथ आओ। हाँ,
अब ये चार शिकार और हमारे चार घोड़े, देखता हूं कितनी दूर तक भागता है। बांधो रस्सी से सालों को। घोड़ों से बांध किसी ने का बहुत शौक था तुम्हें, है? अब मैं बताता हूं घोड़ों के साथ बांध कर घसीटे जाने में कितनी तकलीफ होती है। याद आएगी सालों को। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त आकर तुमने हम सबकी जान बचाई। आपने भी तो मेरे बेटे की जान बचाई है, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। हाँ, जब तक मैं जिंदा हूं आप पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, यह मेरा आपसे वादा है। मालूम है गोली लगने की वजह से बाबा को पहले ही बहुत तकलीफ है, ऊपर से आपने इन्हें दारू पिलाकर बेहोश कर दिया, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? प्रिया तुम थोड़ी देर खामोश रहोगी या नहीं? अगर मैंने दारू पिलाकर बेहोश नहीं करता तो दर्द बर्दाश्त नहीं होता इनसे, और अगर ये बेहोश नहीं होते तो मैं गोली नहीं निकाल सकता। बाबुल चाकू ला जल्दी। नहीं, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी, आप किसी डॉक्टर को बुलाइए। देखो अगर गोली निकालने में थोड़ी देर और होगी ना तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, फिर इनका बचना नामुमकिन है। हट जाओ। बाबा अब ठीक तो है? मेरी समझ में नहीं आता अब डॉक्टर क्यों नहीं बुलाना चाहते। डॉक्टर को बुला सकते हैं बेटे, लेकिन राठौड़ को मालूम है कि मुझे गोली लग चुकी है और डॉक्टर के जरिए उसे मालूम हो जाएगा कि हम कहां छुपे हैं बेटे। राठौड़ राठौड़ राठौड़, आखिर कब तक हम बुसिलों की तरह मुंह छुपाए भागते रहेंगे? आप उसे मारकर उसकी कहानी खत्म क्यों नहीं कर देते? नहीं बेटे, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, ना मैं किसी को मारूंगा। आप अहिंसा को गले लगाए बैठे रहिए, जो मारना नहीं जानता वो मार दिया जाता है, समझे आप लोग? काफी गुस्से में है, दर्द दर्द ज्यादा नहीं है? नहीं। ठीक है, इसकी तबीयत मैं ठीक करता हूँ। ए बिला, खुले आम करो, जो अच्छा लगे वही
बुलाइए प्लीज, आपको मेरी कसम। फिक्र मत करो प्रिया, मैं अभी लेकर आता हूं। बाबा डॉक्टर, कोई खतरे की बात तो नहीं ना? इनका जख्म काफी बिगड़ चुका है शिवा, मुझे डर है अगर ये आराम नहीं करेंगे तो पैर के खराब हिस्से को काटकर अलग कर देना पड़ेगा। मैं दवाएं दे देता हूं। ठीक है, एक बात सुनिए, आपके यहाँ आने की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। क्या बात करते हो शिवा, तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है, अगर ये तुम्हारे दोस्त हैं तो मेरे भी हुए, तुम बेफिक्र रहो। डॉक्टर इस रास्ते से नहीं जाना, वो जिधर से आए थे ना वो टीबो से निकल जाओ। हर गांव हर किसान का घर, जिसमें भी भोले और उसके साथ ही छुप सकते हैं, चला के राख कर दो। देखने वाले इस बात को देखे, लेकिन सुनने वाले सिर्फ ये सुने कि तुम्हारा सरदार मैं नहीं बल्कि भोले है। राठौर साहब, दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के गोली चलाना हमारा पैदाइशी खेल है। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द आपके हाथों में भोले होगा और उसके नसीब में लिखे होंगे हमारे किए हुए जुर्म। तो फिर जाओ तहस नहस कर दो बस्तियों को। ये लो, इसे जेब में रखो, कल जब राठौर साहब बैसाखी लाल जी के घर पे हों तो इसे आग में लपेट कर अंदर फेंक देना। राठौर साहब नकली गोलियां चलाएंगे और तुम वहां से भाग निकलोगे। ओके ओके। बौखला गया है भोले, अब तक तो छुप छुप कर वार करता था, लेकिन जब से पुलिस ने नाकाबंदी शुरू की है गांव के गांव जला रहा है और समझता है कि पुलिस उसे डर जाएगी। लेकिन हमारे बच्चे भी तो उसके साथ हैं, इतने दिन हो गए। ये क्या है? रुक जाइए आप लोग, मुझे बुझाने दीजिए। जल्दी बुझाओ, संभलो शांति। क्या है इसमें? सर ये तो बॉक्स है। नमस्कार, बच्चों बूढ़ों के मिलन का समय आ गया है, 2 लाख रुपए के 10-10 के नोट कल 4 बजे तक तैयार रखो, बाकी फोन पर। मछली पकड़ने के लिए चारा तो डालना ही पड़ता है, ऐसा कीजिए आप लोग रुपए का इंतजाम कर लीजिए। हाँ इंस्पेक्टर। यस सर। इसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास पहुंचा दो। राइट सर। ध्यान से रहना। ओके सर। कभी भी टेलीफोन आ सकता है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, किसी भी हालत में हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। तुम
जासूसी करने आया था। ले जाओ सेठ, ठीक तरह खातिर करो। राठौर साहब, चंपक ने बताया है कि उसे उस डॉक्टर का पता मिल गया है जिसने भोले के पैर का इलाज किया था। चंपक से कह दो कि मेरी इजाजत के बगैर कोई कदम न उठाए। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पंजे की गिरफ्त से भोले अपनी गर्दन कैसे छुड़ाता है। गांव में मिलने वाला था, पता नहीं उसने बच्चों के घर में खबर पहुंचाई है या नहीं। वैसे आपको पक्का यकीन है टेलीफोन इस गांव में मिलेगा ना? नहीं प्रिया, मैं तुम्हें इस गांव की सैर कराने ले जा रहा हूं। इसीलिए ले जा रहा हूं कि यहां टेलीफोन है। टेलीफोन लेकिन एक ऐसे आदमी के घर में लगा है जो बड़ा अड़ियल है, और अड़ियल टट्टू सीधे करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चल बे, चल। तूने भी हरामीपन शुरू कर दिया। एक साल हुए मुझे दुकान खोले, 25 लौंडे बदल चुका हूँ। बकरीदी मियाँ, आधा वर्ष करता हूँ बकरीदी मियाँ। हुजूर, मेरे मोहसिन, क्या चाहिए आपको? रात हमारे ख्वाब में आपके मरहूम अब्बा मियाँ आए थे। मेरे वालिद मरहूम आपके ख्वाब में आए थे? क्यों, मेरे घर का रास्ता भूल गए थे क्या? आपके घर के दरवाजे बंद थे इसलिए मेरे पास चले आए। हम तो बाहर चारपाई पे सोते हैं। वो कुछ रबड़ी का नुस्खा बता रहे थे, कहते थे मेरे बेटे को बता देना। अब आधा तो मुझे याद है, बाकी याद नहीं। मैं एक काम करता हूँ, नंबर घुमा देता हूँ, आप अपने अब्बा मरहूम से बात कर लीजिए। खबरदार जो मेरे टेलीफोन को हाथ लगाया। वालिद साहब से कह देना कि फोन कट गया, बिल अदा नहीं हुआ था, थोड़े से पैसे मनी ऑर्डर कर दे। ठीक है बकरीदी मियाँ, हमें आधा किलो रबड़ी दे दीजिए। ओहो भाई, मेरे रबड़ी शाम को मिलती है, शाम को आइएगा, इस वक्त शिफ्ट ले जाइए। मैं नकद लाया हूँ बकरीदी मियाँ। अरे तो फिर कुछ और मांग लीजिए ना। आधा किलो पेड़े, आधा किलो बर्फी, आधा किलो गुलाब जामुन, आधा किलो जलेबी, आधा किलो मोती चूर के लड्डू डाल दीजिए थाल में। देखिए, जितनी फरमाइश आपने की थी सारी मिठाई मैंने इकट्ठा कर दी। मैं नोट इकट्ठे करता हूँ, आप एक बाल्टी मंगवाइए। ओहो हुजूर, ये मिठाई की दुकान में बाल्टी कहाँ से हाजिर करूँ? बाल्टी सामने पड़ी है, बाल्टी कहाँ से पैदा करूँ? लाइए मिठाई, इसमें डालिए। इसमें डालूँ? हाँ डालिए। कुछ गिर गया? कोई बात नहीं, अब दूध मंगवाइए एक किलो। अबे दूध ला, दूध ला जल्दी। नहीं जल्दी ले बच्चे, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए। मिठाइयों का? नहीं साहब, मिठाइयों का। बेटे घोटना लाना जरा, घोटना। घोटना? इन मिठाइयों की हासिल की आपने? ये ले जाओ, ये पकड़िए घोटना। पकड़ू? बैठिए। बैठू? आप इसे घोटना शुरू कीजिए। घोटिए घोटिए घोटिए, क्या घोटते हैं, घोटिए जच रहे। साखी लाल जी है? जी बोल रहा हूँ। आपके बच्चे हमारे पास? बच्चे कहाँ हैं? आप फिकर मत कीजिए, चीनी और प्रीतम हमारे पास सही सलामत हैं। लेकिन आप कौन बोल रही हैं? देखिए ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है, कल दोपहर को भरतपुर के चौक पर आ जाइए, आपके बच्चे वहीं मिल जाएंगे।
ओके। ये क्या बन गया? ये बन गई मियां रबड़ी। आप उंगली डालिए और चखिए जरा, चखिए। अरे वल्ला, खुदा की कसम, बा खुदा, ये तो रबड़ी हो गई। अब एक काम कीजिए, ये लीजिए चवन्नी। एक चवन्नी की मुझे दे दीजिए। चवन्नी? अरे तो इतना सारा मुझसे क्यों बनवाया, मैं इसका क्या करूं? अरे ये देखते देखते बिक जाएगी आपकी। यही तो वो नुस्खा है जो आपके अब्बा मियां ने मुझे बताया था, ताकीद की थी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि रबड़ी ऐसे बनती है। अच्छा, अब देखिए चंद दिनों के अंदर अंदर आपका नाम बकरीदी हलवाई की जगह बकरीदी रबड़ी वाले हो जाएगा। अब ये चवन्नी रखिए, मैं एक अच्छा सा लिफाफा लेकर आता हूँ। अरे बापरे, इतना बेहूदा नुस्खा, वालिद साहब ने इनको क्यों बतलाया था? अब मैं उन्हीं को कब्रिस्तान में खिलाऊंगा। मान गए, अब तो बहुत उस्ताद निकले, सारी दुकान की रबड़ी बना दी सिर्फ चार आने में। अरे एकदम सीधा है बेचारा, पहले भी एक दफे से बना गया हूँ, अब आज फिर बना दिया। चलो चले। चंपक के आदमी यहाँ कैसे घूम रहे? चंपक कौन? वो कालिया भयंकर टका। अरे अरे अरे, डॉक्टर बाबू, तुम्हारा तो जुग्राफिया ही बदल गया है। ताले ये हमारे लड़के बड़े कमीने हैं, थोड़ा मौका मिला नहीं बस शुरू हो जाते हैं। लेकिन ताजुब है भाई, फिर भी तुम सच नहीं बोल रहे हो। देखो डॉक्टर बाबू, तुम कोशिश करते हो लोगों की जान बचाने की, और हमें आदत पड़ गई है लोगों की जान लेने की, इसलिए फटाफट बता दो कि उस मोटे के पैर की गोली तुमने कब निकाली थी, और अब इस वक्त वो कहाँ है? मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ, मुझे छोड़ दो। डॉक्टर बाबू, जो चीज मैं छोड़ता हूँ ना, उसे कभी पकड़ता नहीं हूँ, और जिसे पकड़ता हूँ उसे कभी छोड़ता नहीं हूँ। अरे मुझे एक खेल याद आ गया, बचपन में हम खेला करते थे। अब भूल गया हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? बता। मैंने किसी की गोली नहीं निकाली, मैंने किसी का इलाज नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ। बता, 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 बता। मुझे छोड़ दीजिए। बता, 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 बता। अब आया कुछ याद? बताता हूँ, बताता हूँ। अब आई ना गाड़ी पटरी पर। फतेहपुर में शिवा नाम का आदमी है, उसी के फार्म हाउस में मैंने उस आदमी के पैर का इलाज किया था। वाह डॉक्टर बाबू वाह, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया है। अब सरकार तुम्हें पद्मश्री दे या ना दे, हम तुम्हारी विधवा को परमवीर चक्र जरूर देंगे। अरे काशी, डॉक्टर बाबू के शहीद होने का इंतजाम करिए जल्दी, और सुनो घोड़े निकालो, आज उस भोले का भी काम तमाम कर देते हैं, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। लेकिन राठौर साहब का हुक्म है कि भोले का सिर्फ पता मालूम करके रखो। सूप तो सूप, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। जब मैं भोले का सर काट कर चांदी की थाली में सजा कर ले आऊंगा, तो राठौड़ के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। जमीन तो तेरे नीचे से मैं निकालूंगा कालिए। शिवांकल, अब जाकर बाबा को वहां से हटा दीजिए, सूर्य आता होगा, हम दोनों मिलकर इन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। तो फिक्र मत करो, भोले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कुत्ते भी नहीं। अरे काशी भैया, अब इस डॉक्टर वे का किया जाए? अरे ले जाओ साले को उस काली पहाड़ी के नीचे और ढेर कर दो। पकड़ लिया बॉस। या लंगूर कहीं के, मुझे डरा दिया, कहीं मेरी जान निकल जाती तो तू
कितना अच्छा होता, धरती का बोझ और बाबा की फिक्र दोनों कम हो जाते। अरे ओ प्रिया प्रिया, एक मिनट, बाबा का जख्म कैसा? अब तो ठीक है, उस डॉक्टर ने बाबा की जान बचाई है और ये लोग उन्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं, मैं उन्हें बचाने आई हूँ। वाह, तू बचाने आई है? चूड़ियों का बोझ उठाया नहीं जाता, बरदान की दिखाने चली है। पर यार मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इधर। आइडिया। क्यों, डॉक्टर को बचाने से पहले कोबर का नाश्ता करेगा तू? नहीं नहीं, नाश्ता मैं नहीं करूंगा, नाश्ता वो करेंगे। खिलाऊंगा, चलो चलते नाश्ता परोसने। भैया तुम ठीक तो हो? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसे पकड़, वो देखो डॉक्टर भाग रहा है। हरिया, पीछा करो उन सालों का। मुझे माफ करना बच्चों, मैं चंपक का जुर्म बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरी जुबान खुल गई। आप फिक्र मत कीजिए, शिवांकल उस कालिया से निपट लेंगे। मेरी राय मानिए डॉक्टर बाबू, आप दो चार रोज के लिए इस गांव से गायब हो जाइए, अब आपका इस गांव में रहना खतरा है। अच्छा, गुड लक। चलो भरतपुर चलना है। ओ, 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 एक मिनट, किसी भी पुर जाने से पहले मुझे अपना पेट पूर करने दो, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत खाया पिया था ना, राठौड़ और उसके कसाईयों ने अच्छी तरह हजम करवा दिया। अच्छा, तो मियाँ की मरम्मत हुई है? अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह सूर्य बकअप इंडिया। अरे भैया मजा आ रहा, क्या तरबूज है? ला, ला दे सूर्य, देख सूर्य, मुझसे मजाक मत कर। मजाक और तुझसे? अरे मजाक तो बराबर वालों से होती है, डेढ़ फुटियों से नहीं। ए चुप, ताड़ के झाड़। लोग कहते हैं दमों की अकल घुटने में होती है। अरे कम से कम अकल तो होती है, जब ऊपर वाला अकल बांट रहा था तू तरबूजे चुरा रही। इतना तो समझ गई। तुम्हारे साथ साथ ये गधा क्यों चल रहा है? हाँ गधा? अरे आ गए अब बटन, ये गधा नहीं कुत्ता है। अरे तुमसे किसने पूछा? मैं उससे पूछ रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो ये भाई बहन के बीच में बातें चल रही है। मैं क्या करता हूँ, बीच में नहीं आता हूँ, ये टुकड़ा अपने भाई को जरूर दे देना। दुर्या! दुर्या!
तुम्हें भी कुछ कहना है मेरी जान? जी हाँ, चूड़ी पहनो चूड़ी। अपने आप को मर्द बुलाते हो? ए छोकरी, जुबान काबू में रख, नहीं तो निकाल कर हाथ में थमा दूंगा। मेरी ताकत देख ली ना तूने? मर्दानगी ताकत से नहीं हिम्मत से तोली जाती है। हिम्मत है तो रस्सी खोल दो। चल चल, ये झांसा किसी और को देना। कमाल है, तुम इतने लोग मौजूद हो और एक छोकरी को संभाल नहीं सकते। छी 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 छी, क्यों मर्दानगी का जुलूस निकाल रहे हो? काशी भैया, खोल दो साली को, देखते हैं क्या करती है ये। अब बोलो, ताकत के साथ हिम्मत है कि नहीं? एक शर्त लगाएगा? जिगर वाला होगा तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी। ठीक है, चल बता। अपनी पिस्तौल मुझे दे दो। मुझे एड़ा समझाए क्या? पूरी बात तो सुन लो, पिस्तौल में से 5 गोलियां निकाल दो। एक गोली से मैं तुम सबको मार तो नहीं सकती। चलो, हिम्मत है तो पिस्तौल दो। बिल्कुल नहीं। मुझे पता था तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। चल हट, मुझे वापस बांधो। तुम लोग ना तो औरत हो ना तो मर्द में हो, तुम तो खामोश। ये लो। कहते हैं हर गोली पर किसी ना किसी का नाम लिखा होता है, इस पर शायद तेरा हो या मेरा। हम बारी बारी एक दूसरे पर गोली चलाएंगे और 2 कदम पीछे जाएंगे। गोली लगने पर किसी एक का खेल खत्म। बोलो, हिम्मत है? अगर तू मर गई तो हमारे किस काम आएगी? तो ठीक है, मेरे पैर पर गोली मार देना, जिंदगी भर तुम्हारे कदमों में पड़ी रहूंगी। खेल शुरू। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं। तो ठीक है, तुम मर्द हो, पहले तुम ही ले लो। चलो आओ सामने। दिल में सुराख करते हैं। ला ला, मुझे पता था इस गोली पर तेरा ही नाम लिखा हुआ है। ला मेरे शहजादे, हाथ क्यों कांप रहे हैं? अले अले अले, मार्ट को पसीना आ रहा है। चल मेरे बहादुर, दे दे पिस्तौल, आखिरी चांस है, अब तू मेरा शिकार है। खामोश, तूने मुझे धोखा दिया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ, इसे ढूंढ रहे हो? लो रख लो, तेरी मर्दानगी का सबूत रहेगा। अलविदा। अरे पकड़ो, देखो भाग रही है, बच के ना जाने पाए। माँ, ये क्या कर दिया तुमने? वो बेचारी 1.5 फुटी बकबक जरूर करती थी, लेकिन दिल की बड़ी अच्छी थी। अब मैं बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसे खोने के बाद ये तो एहसास हुआ कि वो दिल के कितने करीब थी। हे माँ, कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दे कि बस एक बार उससे मुलाकात हो जाए। या तो मुझे उसके पास बुला दे या उसे मेरे पास भेज दे। हैं? उसका इंतजाम भी हो सकता है बच्चे। माँ, ये आवाज नहीं, नहीं ऐसा तो शोले में हुआ था, यहाँ कैसे हो सकता? हे माँ, तुम महान हो, यू आर ग्रेट, ये तो आप ही की आवाज है। माँ, एक बार मिला दो प्लीज। ठीक है, मिलवा दूंगी। माँ शुक्रिया। लेकिन माँ, तुम्हारा इरादा क्या है, उसे भेजने का या मुझे उठाने का? मैं उसे भेज रही हूँ, लेकिन अगर तूने झगड़ा किया तो इस बार तुझे उठा लूंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं माँ, ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो फिर वादा कर, तू प्रिया की सेवा करेगा। करूंगा। अपने हाथों से उसके लिए खाना पकाएगा? पकाऊंगा। उसके कपड़े भी धोएगा? बोल बच्चे, उसके कपड़े धोएगा? धोऊंगा।
जरूर धोऊंगा। जूते भी पॉलिश करेगा? करूंगा। उसी जूते से वो मारेगी तो तू चुप रहेगा? रहूंगा। अगर वो तुझे कुत्ता कहे तो तू दुम हिलाएगा? हिलाऊंगा और चुम्मा भी लूंगा। चल हट। तुझको मैंने दिल दिया तुझसे, मैंने प्यार किया तुझको, मैंने दिल दिया तुझसे, मैंने प्यार किया। दीवाने थे हम, करते थे गिले, पास थे पर सनम, मिलके ना मिले, दिल की ये पुकार, तुझसे ही था प्यार। तुझको मैंने दिल दिया तुझसे, मैंने प्यार किया तुझको, मैंने दिल दिया तुझसे, मैंने प्यार किया। दीवाने थे हम, करते थे गिले, पास थे पर सनम, मिलके ना मिले, दिल की ये पुकार, तुझसे ही सा प्यार। तुझको मैंने दिल दिया तुझसे, मैंने प्यार किया। दिल पर मोहर लगा दे तू मेरी दिलरुबा। ला 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 ला, तुझको मैंने दिल दिया तुझसे, मैंने प्यार किया। यही जीने की अदा किया। ला 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 ला।
तो पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। बोले ए भोले, तू जहां भी छुपा हुआ है बच्चों को लेकर अपने आप बाहर आ जाएगा तो हम तुझ पर रहम खाकर तुझको माफ कर देंगे। सुन रहे हो भैसे? और अगर तू बाहर नहीं निकला तो तेरी बोटी बोटी काट कर कुत्ते बिल्ली को खिला देंगे, समझे? तुझे भी देंगे, चुप बैठ। गधी गई। मैं सिर्फ तीन तक गिनूंगा, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो निकलाओ। एक, दो, तीन। साला वही मुर्गे वाला है। अरे नटखट यहां भी आ गए। ए, भोले कहाँ हैं? ओले ओले नहीं, गोले पड़े गोले। नीचे आ जा, नीचे आ जा। कंचे? वो शीशे वाले कंचे नहीं, अपने पास एक कंचे हैं, खेलोगे? ए, मैं कहता हूं नीचे आओ। क्या? अच्छा हुआ साला बहरा हो गया। अरे नीचे आ जाओ, नीचे 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 आऊं क्यों भाई? ये कोई रिश्ते की बात लेकर आए हो? एक काम करो, ऊपर आ जाओ, रिश्ते की बात भी पक्की हो जाएगी और साथ में दारू पिलाऊंगा, दारू। अच्छा अच्छा, अभी तेरे को रिश्तेदारी दिखाता। ठहर ठहर, बहादुरो पकड़ लो इसको। आ जाओ, आओ आओ, पकड़ो, आओ आ जाओ, पकड़ो, आओ पकड़ो, जाओ पकड़ो। अरे ये तो अपने पहलवान के नीचे खुद ही आ गया। अरे उठो उठो, क्या कर रहे हो? जल्दी कर, इसको निकाल, नहीं तो ये निकाल जा। अरे अरे वो शराबी कहाँ गया? शराबी कहाँ गया? अरे वो मुर्गे को पकड़ो, उसी में उसकी जान है। अरे पकड़ो ना, चलो जल्दी। हाँ घेरो घेरो, चलो चलो से घेरो। हाँ अभी धीरे से पकड़, धीरे से। अरे पकड़, फिर से पकड़। अरे पकड़ो ना ठीक से। कधे कधे कुछ काम नहीं आता, काम क्या खाते हैं साले? पकड़ो अभी। अरे छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। अभी साला बेवड़े का मुर्गा अंदर गया, दिखाते हैं उसको। अरे ये झोपड़ा क्यों हिल रहा है? क्या कर रहे हैं क्या वो गधे अंदर? क्या कर रहे हैं? क्या हुआ रे, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? घुसा मार रहा है। घुसा मारता है? हाँ मुर्गा कभी घुसा मारता है क्या? घुसा नहीं, वो है का बेवड़ा साला, सुबह सुबह पी के आता है, अभी भी हिल रहा है साला। मुर्गा हिला रहे। अरे बाप रे, साला आ गया। ए, मैं बोलता हूँ तू। अरे बाप रे, ए देख क्या रहे हो, पकड़ो साले को, मारो।
बाबा आपको छोड़कर हमें बहुत दुख होगा। दुख तो हमें ही बहुत होगा बेटी, मगर तुम दोनों का भविष्य हमारे साथ नहीं, अपने घर जाकर ही सुरक्षित रहेगा। क्यों नहीं आया अभी तक? दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। चीनी चीनी, दादाजी आ गए। बाबा देखो दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। शुक्र है भगवान। चलो बच्चों, तुम दोनों को तुम्हारे दादाओं के हवाले कर दूं। चलो बाबा, हम दादाजी से कहकर आपके दुश्मनों को जेल भिजवा देंगे। सच्ची सच्ची सच्ची। चलो कर्नल। बुरे बच्चे प्रीतम। चीनी प्रीतम, पांव पे निशाना लगाओ, मुझे आदमी जिंदा चाहिए। खबरदार, अगर गोली चलाई तो फैल जाओ सब। मौका है, भाग बेटे भाग। जा चीनी, जा अपने दादा के पास जा। प्रीतम चीनी जल्दी आओ, भाग। आओ बेटे, गाड़ी बच्चे के पीछे लो। प्रीतम चीनी, चीनी भाग भाग। प्रीतम 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 बेटे, प्रीतम बेटा, प्रीतम प्रीतम। इंस्पेक्टर, वो मेरी बच्ची को उठा के ले गया है। आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। चलो मुझे लड़ना होगा, उस बच्ची के लिए मुझे लड़ना होगा। राठौड़ उस बच्ची को शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, और इस वक्त बाजी उसके हाथ में है। आप अपनी हालत क्यों नहीं देखते बाबा? आप घायल हैं, राठौड़ का मुकाबला नहीं कर सकेंगे आप। बेटी, मुकाबले के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है, मैं जाऊंगा। बाबा भगवान के लिए जिद मत कीजिए, आप इस जख्म के साथ राठौड़ का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अपनी जान पर खेलकर उस लड़की को बचा कर ले आऊंगा। और फिर क्या होगा? तुम समझते हो कि एक जान बचाकर तुम इस खून खराबे को रोक सकते हो? नहीं बेटे, नहीं। राठौड़ मुझे बाहर निकालने के लिए और कई बेगुनाहों को मौत की नींद सुला देगा, और यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक के हम दोनों में से कोई एक गहरी नींद नहीं सो जाता। जा बेटे, राठौड़ से कहो कि मैं तैयार हूं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, भागते भागते थक गया और घुटने टेक दिए ना भोले ने। क्यों? हाँ, उन्होंने घुटने टेके हैं, लेकिन वो भी उस बच्ची की खातिर जिसका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं और जिसकी जिंदगी की कीमत तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं। लेकिन कभी ये भी सोचा रहा थोड़ कि तुम्हारी खुद की मौत कितनी बदसूरत हो सकती है? जूता खूबसूरत हो या बदसूरत, उसकी किस्मत में दर दर की मिट्टी चाटना लिखा होता है। उसी तरह मौत खूबसूरत है या बदसूरत, आखिरकार उसका अंजाम मिट्टी में मिल जाना होता है। मेरी नजरों में मौत की हैसियत मेरे इस जूते से ज्यादा नहीं।
दूर से मौत को गाली देने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन जब वो सामने आके खड़ी हो जाती है तो जिंदगी की भीख तुम जैसों को ही मांगते हुए देखा है। जिसकी जिंदगी रेगिस्तान में गुजरी हो वो पेड़ों के साए नहीं ढूंढा करते सूर्या। मेरे मुस्तकबिल का, मेरी खुशियों का और मेरे मकसद का खून तो आज से 18 साल पहले मेरे आंखों के सामने किया गया था, और आज आज जब वो खूनी मेरे सामने आ रहा है तो मुझे मौत का खौफ दिखाने आया है। वाह 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 वाह, क्या बात है राठौड़ साहब, क्या बात है। लाल लोहे पर हथौड़ा मारने वाली बात केवल आप ही से सीखे। वाह वाह वाह। चंपक, हथौड़े मारने के लिए हम लोहे के लाल होने का इंतजार नहीं करते, हम खुद हथौड़े मार मार कर ठंडे लोहे को लाल कर देते हैं। नहीं, मैं भी वही कहने वाला था। अपने जूते में रहो चंपक, जूते से पांव बाहर निकालोगे तो कांटों से छलनी हो जाएंगे। जाओ, जाकर बहली से कह देना कल चंदन घाटी में मैं उसे जरूर मिलूंगा। उसे यह भी कह देना कि एक बुजदिल की तरह उसने मेरे बाप के पीठ पर वार किया था, लेकिन मैं उसे ललकार कर सामने से वार करूंगा, क्योंकि मैं मर्द हूं। मर्द, मर्दानगी के लहू का एक भी कतरा बाकी रह गया हो तो बाबा के पैर के जख्म को ठीक हो जाने दो, फिर देखेंगे किसमें कितना दम है। ओ, मुझे पता नहीं था ये दुश्मन के पांव में जख्म है, इसीलिए उससे भागा नहीं जा रहा। कह देना उसे जिस दुश्मन की तलाश में राठौर ने अपने हाथ बेगुनाहों के खून से रंग लिए, उसे मौका भी बराबर कर देगा। अब ठीक है ना काशी, टेप निकालो। 18 साल से मैंने जश्न नहीं मनाया, आज मनाएंगे। ए, ऊपर तू कहाँ जा रहा है पिल्ले? हाँ, तेरा तो अभी हिसाब किताब बाकी है। हाँ, चूहे बहुत चीची चीची कर रहा था ना। आ, पकड़ो अभी। मारो मारो साले, मार। बना दी है, मैंने आज तक कभी गाय नहीं बांधी और तुम लोग मुझे बांध रहे हो। शिवा मेरे बाप, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। शिवा बिल्कुल बेकसूर हूं, मुझे छोड़ दो। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मेरा घर चलाकर राख कर दिया, मेरे बेजुबान बच्चे के साथी
मुर्गे की गर्दन काट दी, कहता कुछ नहीं किया। अरे अरे, आपका नाम तो शिवा है, शिवा के अवतार है आप, दयालु कृपालु है, मुझे छोड़ दो मेरे बाप। देखो मैं तुम्हें हाथ जोड़कर माफी, हाथ भी नहीं जोड़ सकता तुमको। शिवा का अवतार, अब तो तुम ये भी जानते होगे कि शिवा के क्रोध से तीनों लोग पनाह मांगते हैं। जल्दी से सच्चाई गुली शुरू कर दे, वरना मैं शुरू हो गया तो तू कुछ नहीं कर सकेगा। बोले मेरे भाई, तुम्हारा साथ देने का ये क्या इनाम मुझे मिल रहा है? बोल दो ना भाई साहब को कि वो खून गुस्से से तुम्हारे हाथ से हुआ था। चंपक, तेरी मक्कारी के सूरज को ग्रहण लग चुका है, अब सच्चाई का वक्त आ गया है। अरे भैया, सच क्या है झूठ क्या है मैं क्या जानूं, मुझे तो तुम्ही ने बताया था कि इंस्पेक्टर के बेटे ने तुम्हें खून करते हुए देखा है। नहीं, खून करते हुए नहीं देखा, खंजर निकालते हुए देखा। और वो खंजर उसके सीने में किसने घोंपा था, इसका इकरार आज तू अपनी जबान से करेगा। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो, शराब क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे अरे, इसे मेरे चारों तरफ क्यों डाल रहे हो? ओ अरे शिवा भाई, ये क्या कर रहे हो मेरे बाप? नहीं मेरे बाप। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ओहो, अरे अरे बचाओ, ये लोग मुझे जिंदा जला रहे हैं। अरे बचाओ, अरे मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे बाप रे, अरे बचाओ। नहीं नहीं बाप रे, नहीं, बताता हूँ। उस रात मैंने ही भोले को इंस्पेक्टर के पास भेजा था, और भोले के वहां पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंच गया। देर रात को किसने घंटी बजाई? मैंने उसे मार डाला और लोगों ने भोले को खूनी ठहरा दिया। अक हरामजादे, अपने किए हुए गुनाहों का डर मेरे दिल में बसाकर उन्हें मुझे सारी जिंदगी तड़पाया, मुझे दर बदर की खा। अब तो मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, आप तो मुझे छुड़वा दो। हमारे बाप दादा कहा करते थे कि इंसान को जिंदगी में कम से कम चार दोस्त बनाकर मरना चाहिए, जिनके कंधों का सहारा लेकर उसकी अर्थी शमशान तक पहुंच सके। और जिस बदनसीब के पास चार दोस्त भी नहीं है ना, उसकी लाश को चील, कौए और कुत्ते खाते हैं, कुत्ते। ओ नहीं 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 भोले जी, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो भोले जी, अब मैं सुधर जाऊंगा। चंपकलाल, कल चंदन घाटी पहुंचकर अपनी जबान से अपना गुनाह कबूल करना होगा कि राठौर के बाप का कत्ल आपने किया। नहीं नहीं, बोलूंगा बोलूंगा। अगर तुम कोई मकारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बगैर मारे नहीं राठौड़, वादे के मुताबिक मैं हाजिर हो गया हूं, अब उस बच्ची को छोड़ दे। बच्चे के सीने पर पांव रखकर अपने दुश्मन की तो मैं वो भी करता हूं। राठौर, तेरे बाप का कातिल तेरी आंखों के सामने घूमता रहा लेकिन तुझे नजर नहीं आया।
आस्तीन के सामने नजर भी कहां आते हैं। इसे गौर से देख, यह तेरे बाप का कातिल। एक बात सुन ले कुत्ते, अगर सच्चाई में जरा भी तूने झूठ का जहर मिला तो मैं तुम्हें यही दफन कर दूंगा। बाप रे, राठौड़ साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए राठौड़ साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भोले को आपके पिताजी के पास भेजा था और जिस खंजर से उनका खून हुआ वो भी मेरा ही था। मैं कबूल करता हूँ कि उस भले आदमी के खून से मेरे हाथ रंगे हुए हैं, लेकिन मैं क्या करूं राठौड़ साहब, मैं बिल्कुल पागल हो गया था, बिल्कुल ही पागल हो गया था राठौड़ साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दो। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अपनी जान बचाने का तुमने अच्छा तरीका सोचा है। तुम क्या समझते हो कि मैं इसका विश्वास करूंगा जो मक्कार भेड़िया है और जिंदगी भर झूठ बोलता रहा है। राठौर, आज तक ये झूठ के सिंहासन पर बैठकर हुकूमत करता रहा है, आज इसका विश्वास कर लो। मैं कसम खाकर कहता हूं ये सच बोल रहा है। नहीं, सच वो है जो 18 साल से तस्वीर की तरह मेरी आंखों में मौजूद है, और सच ये है कि मेरे बाप का कातिल आज मेरे सामने खड़ा है। नहीं राठौर, नहीं, मैंने तेरे बाप का कत्ल नहीं किया, ये तेरी आंखों का धोखा है राठौर, तेरी आंखों का धोखा है ये। बड़े खोखले दिमाग के हो राठौर, बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। सच और झूठ में फर्क समझने की कोशिश कर। वो मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं। सिखाने के लिए मुझे भी बड़े पैंतरे आते हैं। नहीं नहीं शिवा, मेरे यार, नहीं, इसके दिल में जो झूठे इंतकाम की आग है ना, वो हकीकत की चीटों से नहीं बुझेगी, उसके लिए खून की बारिश करनी ही पड़ेगी। खून किसका होगा? खून तो तेरे होगा ना भोले। अपनी उम्र देख, अपनी हालत देख, तू तो खुदकुशी करने पे तुला है। बात जी लिए मेरे दोस्त, अब तो वैसे भी मौत की दलील पर खड़ा हुआ मैं। जीने के दिन तो उस बच्ची के हैं, अपनी जिंदगी में कुछ और दिन जोड़ने के लिए मैं उसकी लंबी उम्र को दांव पर नहीं लगा सकता। समझे मेरे दोस्त, तुम बीच में से हट जाओ शिवा। जिंदगी और मौत की जंग हम दोनों के बीच है बोले, इसमें तीसरा कोई नहीं आएगा। ठीक है राठौर, तीसरा कोई नहीं आएगा इसमें। शिवा छोड़ दे इसे, छोड़ दे इस हरामजादे को, इसकी किस्मत का फैसला ऊपर वाला ही करेगा, छोड़ दे इसे। मेरी प्यारी बिटिया, प्यारी गुड़िया, कैसी है तू? ठीक है ना? है जा, प्रिया के पास जा। 18 साल से जो बोझ मैं अपने कंधे पर लादे जी रहा हूं, आज तेरी मौत के साथ वो हमेशा के लिए उतर जाएगा। मारिए राठौड़ साहब, बहुत मारिए इस मोटे को, साले को, ए भैंसे को। रात भर इन कमीनों ने मेरी जो पिटाई की है राठौड़ साहब, आज तक किसी पुलिस थाने में नहीं हुई। छोड़िए मत राठौड़ साहब। हाँ, इसी मोटे ने मुझसे कहा था कि इसने कितनी सफाई से तुम्हारे पिता की हत्या की थी। हाँ, इसी ने की है राठौड़ साहब।
सुनो, भोले को लेकर जंगल की तरफ निकल जाओ, मैं इनसे निपटता हूं। ठीक
छी 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 छी, ये क्या हालत बना रखी है तुम दोनों ने अपने अपने। अरे 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 अरे, ये देखकर मुझे कितना दुख हो रहा है कि एक तरफ बेगुनाही की लाश सिसक रही है और दूसरी तरफ इंतकाम की चीता जलने को है और जो जिंदा है वो टेढ़ा दिमाग जैसा कि मैं इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए दिमाग का थोड़ा टेढ़ा होना बहुत जरूरी है। क्यों राठौड़ कैसा नचाया तुझे जिंदगी भर है? दिन रात मेरे साथ खाता पीता रहा और अपने बाप के कातिल को नहीं पहचान सका। अरे हट पहचानता भी कैसे, मैंने जो तेरी आंखों के सामने झूठ का पर्दा डाल दिया था क्यों राठौड़ और तू भोले मैंने तेरा नाम सिकंदर से भोले क्या रख दिया, तू सचमुच का भोला बन गया कहता था कि मेरी किस्मत का फैसला भगवान करेगा, अभी बुला तेरे भगवान को, बचा सके तो बचा ले तुझको। देखा देखा आप लोगों ने, वाह रे ऊपर वाले वाह, वो भी उसी का साथ देता है जिसका पलड़ा भारी होता है। क्यों बच्चों, तू भी जवान हो गया एक को तो मैंने पहले ही मार दिया ये दोनों तो मरने ही वाले हैं। चल पहले तेरी कहानी का दी एंड कर देता हूं। साला अभी कोई आगे आएगा ना तो सबके चिथड़े उड़ा दूंगा। आजा 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 ना, ए डरपोक अब क्यों पीछे हट रहा है? अरे नहीं नहीं, अरे सोच सोच सोच, अरे नहीं 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 नहीं, अरे मुझे छोड़ दो। डर लग रहा है तुझे? मुझे छोड़ दो। याद कर कमीने, कितने लोगों को जान से मारा है तूने। नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं नहीं छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मर जा। याद है मैंने कहा था बगैर तुझे मारे नहीं मरूंगा। नहीं 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 नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं तो मरेंगे मरेंगे हम, मर जाएंगे हम, मरेंगे 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 हम, छोड़ो। हिंसा के बल पर जीने वाले मरते भी हिंसा के बिस्तर पर ही हैं। हमारे जाने के बाद हमारी जगह एक नई पीढ़ी लेती है। क्या यह हमारा फर्ज नहीं है कि हम ऐसा खुशगवार माहौल छोड़ जाएं जिसमें सांस लेकर हमारे बच्चे हम पर फख्र कर सकें?